ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन है कि इफ 45 मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, 6 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 30 मोर मेन जॉइन देम, हाउ मेनी डेज दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, इसमें हमारे को ये देखना है, टोटल वर्क जो है इसको हम किस पे कन्वर्ट कर लेते हैं, मैन डेज में। यहाँ पे 45 मैन एंड 16 डेज है, 45 मैन एंड 16 डेज है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्क को हम लोग किस पे कर लेंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, पूरे वर्क को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मैन डेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैन डेज कितने हो गए, ये मैन डेज को अगर हम लोग देखते हैं तो मैन डेज विल बी इक्वल टू 45 × 6, 16, ठीक है ना। तो 45 × 16 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 720, ठीक है, 720 मैन डेज के बराबर हो गए। इतना वर्क है, वो कह रहा है कि 6 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 30 मोर मैन ज्वाइन कर। अब 6 दिन के बाद, 6 दिन के अंदर इन 45 लोगों ने, 45 मैन ने कितना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, 45 मैन इन 6 डेज, 6 दिनों में कितना वर्क कर लिया, That is 270. अब रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, जब हमने इसमें से 720 माइनस किया, 720 में से 270 माइनस किया आपने, तो कितना बाकी रह गया, 450 मैन डेज का रह गया ना वर्क। ठीक है, अब इसके बाद वो कह रहा है कि 30 मोर मैन ज्वाइन। अब 30 मोर मैन हो गए तो 45 + 30 कुल कितने हो गए, 75 मैन। इस 450 को आपने 75 से डिवाइड कर दिया एंड योर आंसर विल बी ओवर देयर। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। ये देखो शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप एकदम से अपने आंसर को निकाल सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड इसका काफी लंबा, और जो मैंने आपको बताया था कि अगर जितना भी वर्क है, अगर सब वर्क को हम लोग मैन डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो चीजें जो से हमारे कंपेरेटिवली इजियर हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे, और एक टाइम के अंदर ये मुझे समझाने में थोड़ा सा ज्यादा मतलब आपको स्पेस यूज करना पड़ा, अदरवाइज इसको यू कैन वॉक इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और मेंटल कैलकुलेशन के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पेन को भी उठाने की शायद आपको नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर टू है, ध्यान से देखिए आप, अगर 10% बिगिन टू वर्क टूगेदर ऑन ए जॉब बट आफ्टर सम डेज 4% लीव द जॉब, ठीक है, एज ए रिजल्ट द जॉब दैट वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 40 डेज इज कंप्लीटेड इन 50 डेज, हाउ मेनी डेज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क डिड द 4% लीव। मतलब ये कि 10 आदमी किसी काम को करना शुरू करते हैं और कुछ दिनों के बाद 4 लोग छोड़कर चले जाते हैं, इससे क्या होता है कि जो काम पहले 40 दिन में कंप्लीट होना था अब वो बढ़ करके 50 दिन में होगा। तो उसका कहना है कि कितने दिनों के बाद ये जो 4 लोग हैं काम शुरू होने के बाद छोड़कर जाते हैं कार्य। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर बाई वे ऐसा होता कि ये जो 10 के 10 लोग हैं ये 40 दिन तक लगातार काम करते हैं, तो एक आदमी का मतलब अगर एक सिंगल आदमी देखते हैं, वन मैन जो है दैट वुड हैव कंप्लीटेड द सेम वर्क, ठीक है ना, एक मैन किसके बराबर हो जाता, कितना काम कर लेता वो, 10 × 40, तो 1/400 मैन डेज के बराबर, मतलब वो काम कर पाता, एक बड़ा 4वां हिस्सा ही कर पाता टोटल उसका, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक ऑप्शन मेथड देखते हैं, आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा वहां पे, जैसे 25 इसका आंसर है भाई, तो 25 लोग मतलब ये 10 लोग 25 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, 25 दिन के अंदर 250/400 कर लेंगे। अब वो कहता है कि इसमें से 4 लोग छोड़ करके चले जाते हैं, अब 4 लोग अगर 4 लोग इसमें से छोड़ के चले गए तो बाकी बचे कितने, 6, है ना, और इसकी वजह से अब काम जो 40 दिन में हो रहा था वो अब कितने दिन में होगा, 50 दिन में, मतलब कि 25 दिन अब बाकी और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, डिवाइडेड बाय 400। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 400/400, है ना, 1, तो वर्क इज ऑलवेज 1, हम लोग जानते हैं कि कार्य हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर आप इसको देखना चाहें तो मेरे पीछे वीडियो में देख सकते हैं, टाइम एंड वर्क के जो फर्स्ट वीडियो था, तो काम कौन सा है वो कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास ये भी कंफर्म हो गया कि जो इसका आंसर है कितने दिनों के बाद छोड़ के जाते हैं,
25 डेज के बाद जाते हैं और इसमें आपको ये ऑप्शन मेथड है बेसिकली, इसको हम लोग ऑप्शन मेथड कहेंगे। तो ऑप्शन मेथड से हम लोग अपने आंसर को निकाल सकते हैं बहुत इजी। इसमें यहाँ पर हमने देखा ऑप्शन में आपको 25 दिया हुआ है, एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूँ। तो 25 दिन तक मान लिया कि 10 के 10 लोग काम करते हैं, हमारा ऑप्शन अगर ये है तो 25 दिन में उन्होंने कितना 250/400 वर्क कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से चार लोग तो छोड़ के चले गए, चार लोग छोड़ के चले गए तो बाकी कितने बचे, 6 बचे। अब 6 लोग 25 दिन में बचा हुआ काम करेंगे, क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ डेज है वो बढ़कर के कितने हो गए, 50 हो गए, जिसमें 25 दिन तो चले गए बाकी रह गए 25 दिन। तो 6 × 25/400 आ गया यहाँ पर, ठीक है। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं 400/400 दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर आंसर। क्योंकि सबसे पहले जब चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था कुछ पॉइंट बताए थे, हमने ये भी बताया था कि वर्क इज ऑलवेज डन, इट कैन नॉट एक्सीड 1। तो यह जैसे आपके पास आया तो इसका मतलब ये लोग जो छोड़कर जाते हैं वो कितने दिनों के बाद गया, 25 दिन के बाद, ये कन्फर्म होता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है कि 6 मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड 18 चिल्ड्रन कैन डू इट इन 10 डेज, 4 मेन 12 वुमेन एंड 20 चिल्ड्रन कैन डू द वर्क फॉर 2 डेज, इफ द रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय मेन ओनली इन 1 डे, हाउ मेनी मेन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। वो कहता है कि 6 लोग अगर किसी काम को, 6 आदमी मतलब 6 आदमी किसी कार्य को अगर 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं, 8 औरतें उसी कार्य को 18 दिन में करती हैं और 18 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी 12 औरतें और 20 बच्चे 2 दिन तक मिलकर के कार्य करते हैं, तो जो भी कार्य बच जाता है बाकी इनके 2 दिन तक कार्य करने के उपरांत भी अगर जो भी काम बच जाता है, ठीक है ना, तो कितने लोग उस काम को एक ही दिन में, जो भी काम बच गया उसको तो एक ही दिन के अंदर कितने लोग कंप्लीट कर देंगे, ये आपको चाहिए होगा, मतलब आपको कितने और अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, हाउ मेनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड। ये लास्ट का आपने देख रहे ना यहाँ पर यार, हाउ मेनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड, कितने एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई, कैसे हम इसको कैसे करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 आदमी यहाँ पर देखते हैं, 6 मैन है, 6 मैन 72 दिनों में करते हैं तो ये कितने मैन डेज का वर्क हो गया, 72 मैन डेज का वर्क हो गया। अब साथ में मैंने आपको बताया था कि सारे वर्क को आप किसको कन्वर्ट कर ले, मैन डेज या वुमेन डेज में कर देते हैं, और ये सारी औरतें इसको कितने दिन में करती हैं, देखिए 18 वुमेन कैन कम्प्लीट इन 18 डेज, तो कितने वुमेन डेज का वर्क हो गया, 144 वुमेन डेज का हो गया। इसी तरह से 18 बच्चे जो थे वो कितने दिन में कर रहे हैं, आपको बताया जा रहा है 10 डेज, तो कितने बॉय डेज का वर्क हो गया, 180 बॉय डेज का वर्क हो गया, ठीक। अब इनका रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा दैट कम्स आउट टू कितना बनता है, जरा यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, रेशियो आता है 2:4:5, मतलब ये हुआ कि दो आदमी कितनी, दो आदमियों की एफिशिएंसी 4 वुमेन्स के बराबर है और 5 बच्चों के बराबर है। अब सिंपल सी बात इसमें देखते हैं कि 6 आदमी ये काम है कितने दिन का, कितने मैंडेज का है, वो कह रहा है कि 6 आदमी अगर 12 दिन तक काम करते हैं तो नंबर ऑफ मैंडेज रिक्वायर्ड, भाई नंबर ऑफ मैंडेज कितने चाहिए हमारे को, कितने दिन चाहिए हमारे को इसको कंप्लीट करने में, तो 72 मैंडेज चाहिए, ठीक है ना, 72 मैंडेज चाहिए। अब आगे देखते हैं, वो कह रहा है कि 4 मैन 12 वुमेन एंड 20 चिल्ड्रन, तो 4 मैन तो मैन ही है ना, और 12 वुमेन कितने के बराबर हो जाएंगी, 4 मैन, हम सबकी एफिशिएंसी को यूनिफॉर्म कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे को दिख रहा है कि 4 वुमेन कितने मैन के बराबर है, 2 के, तो 12 कितने की हो जाएंगी, 6 के, तो प्लस 6 मैन आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद 5 बच्चे कितने आदमियों के बराबर एफिशिएंसी रखते हैं, 2 आदमियों के बराबर रखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 20 बच्चे कितनों के बराबर रखेंगे, 8 के बराबर रखेंगे, तो 8 मैन इस सब इनकी सबकी एफिशिएंसी को यूनिफॉर्म ले आता है, तो 72 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए आप यहाँ पर 72 का आपने 8 और 6 14 और 4 कितना हो गया, ये हमारे पास 18 आया। अब वो कह रहा है कि ये 18 लोग कितने दिन तक काम करें, 2 दिन तक काम करें, तो 36 मैंडेज के बराबर हो गया ना ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 दिनों के अंदर इन्होंने कितना काम कर लिया, 72 - 36, और बाकी बचा हुआ काम कितना रह गया, 36 मैंडेज का रह गया, ठीक है ना। तो बस आपसे अब ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोर मैन, हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड,
तो कितने और लोगों की जरूरत पड़ जाएगी एक्स्ट्रा, कितने और लोग, जो 18 लोग तो ही है क्योंकि ये लोग तो यहाँ पर काम कर ही रहे हैं, 4 men 12 women and 20, ठीक है, ये दो दिन तक, तो एक दिन के अंदर इनकी एफिशिएंसी कितने बराबर आई थी, 18 के बराबर आई थी। तो इस 36 मैंडेट्स का वर्क करने के लिए हमारे को एक्स्ट्रा कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, 18 मैंडेट्स तो हमारे पास आई, 18 लोग और चाहिए होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ, तो ये आप देख रहे हैं पूरा कट जाता और काम कम्प्लीट हो जाता, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड आर 80, ये हमारा आंसर है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, मतलब जैसे आपके ये चीज समझ में आ जाएगी, अगर आपको कोई भी चीज अनक्लियर है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहला वाला जो वीडियो हमारा उसको जो देख लीजिए, तो उससे आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो भी कंसेप्ट वगैरह है वो हमने सब फर्स्ट वीडियो के अंदर बताए हुए हैं, और मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आपको उस कंसेप्ट के बारे में बिल्कुल पता है और आप उसको मतलब यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट दोस कंसेप्ट्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग taking it for granted that you already know well about those concepts. You are well versed about those concepts. So, इस चीज को मैं अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि आपको पता है, अगर नहीं आपने पढ़ा तो एक बार जस्ट गो थ्रू देम एंड उससे क्या है कि आपकी जो क्लैरिटी है कंसेप्ट की वो बन जाएगी, एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा, एक चीज और है, इनकेस देखिये आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे कृपया करके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन है आप उसको टैप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, तो जैसे आपने अगर उसको बेल को टैप किया होगा, ठीक है, तो सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल है उसको टैप किया होगा, तो आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी एकदम से मिलती रहेगी, आप एकदम से जैसे हम लोग अपलोड करेंगे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आप उसे देख सकते हैं। और अगर इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, प्लीज उस पर कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को लिखे, मैं उसका जरूर आंसर देने का पूरा प्रयत्न करूंगा। सब्सक्राइब करिए प्लीज, शेयर करिए और लाइक करिए, ये मेरे लिए भी एक इंकरेजमेंट होगा और मैं और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो का, इन वीडियोस का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे की घर बैठे पूरी तैयारी हो सके और उसको जो इधर उधर भटकना पड़ता है कोचिंग के लिए वो मिनिमम पॉसिबल हो सके। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से इसको इरेडिकेट किया जा सकता है, उसकी जरूरत ना, लेकिन काफी हद तक आप अगर ढंग से मेहनत करेंगे तो शायद उसकी जरूरत ना भी पड़े आप। और मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ टाइम टू टाइम ये वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, और ये वीडियोस पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी जो जो महंगी कोचिंग्स पे नहीं जा सकते हैं, या फिर जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं जिनके लिए किसी कोचिंग पे जा पाना मुश्किल बेटे को देख कर आपको और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज आगे मिलेंगी, और जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आप किस तरह से और किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके और किस तरह से मेहनत करके आप अपना एग्जाम घर बैठे निकाल सकते। ओके, थैंक यू।